बादल, पानी, पहाड़, कहानी। कहानियां ही तो हैं हम सब, किसी की रोजमर्रा की जिंदगी की और किसी की डेली लाइफ के हसल को कुछ दिन के लिए पीछे छोड़ने की। हम सब कहानियों से घिरे हुए हैं, बस थोड़ा रुक के थोड़ा आराम से महसूस करने की जरूरत है। मैंने इतनी ठंड नहीं सोची थी। एक तो गूगल वेदर, एक्यू वेदर, ये सही टेम्परेचर बताते नहीं है। इट्स रियली कोल्ड यार, इतने तो कपड़े भी नहीं लेके आया। आज तो भाई और कुछ नहीं होगा, आज सिर्फ चाय और कंबल। शांगड़ एक छोटा सा गांव है सैंज वैली में, जिसका नाम मैंने अपनी फर्स्ट सोलो ट्रिप पे जीबी में सुना था। दिस लेसन ऑन वैलीज नेस्टेड बिटवीन पार्वती एंड तीर्थन वैलीज। द रूट्स आर क्लियरली मार्क्ड ऑन गूगल मैप्स और अब तो नई रोड्स भी बन गई हैं, सो यहां पहुंचना पहले के मुकाबले काफी सिंपल हो गया है। एंड एज इफ द पिक्चर्स ऑफ द प्लेस वर नॉट एंटाइसिंग इनफ, आई हर्ड अबाउट दिस हॉस्टल नेम्ड हाउस ऑफ स्टोरीज। एंड द मोमेंट आई सॉ द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ दिस ट्रेडिशनल हिमाचली होम टर्न इनटू अ हॉस्टल, आई न्यू दैट आई हैव टू कम हियर। या तो बहुत ज़्यादा धूप है या तो बहुत ज़्यादा ठंड है, या तो ये है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तीन ही टाइप के दिन है। और ऐसे टाइम पे नथिंग मच टू डू, नॉट रियली। मतलब आपकी इच्छा है, इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक डेलिबरेटली तो आप ले सकते हो, अदरवाइज यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। बैठ जाओ, कॉन्टेंट बनाने बैठ जाओ, फाइनेंसिस करने बैठ जाओ, स्टाफ को देखने बैठ जाओ, आगे की प्लानिंग कर लो, कुछ भी करो। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, but sometimes it's good to deliberately sit down and not do anything. Any such stories which have taken shape yahan pe ya at your cafe? A lot of stories. I mean, every day I've met so many people here. Aap kisi bhi insaan ke sath ek table par baith jao, uske sath aap baat karna shuru ho jao, koi kahani ban jayegi, kuch na kuch aapka unke sath connection nikal aayega, and you'll be like, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो ये कैसे हो गया, अच्छा तुम इसको भी जानते हो, तुम उसको भी जानते हो। बटर और फ्लाई का मुझे मिलना, नाउ आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट देम। यहाँ पे मेरी स्टोरी तो इट्स लाइक हर दिन देयर इज लाइक अ न्यू चैप्टर एडिंग टू माई स्टोरी। एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स जो बिगर पिक्चर में आपको शायद ऐसा लगेगा कि मैटर नहीं करती हैं, these are the biggest stories for me. Everyday things, just feeding butter, feeding fly, this is my story, this is my life. And bas yahi hai, every day, every new person, every new local jiske sath meri kabhi kabhi jhagda ho jayega, kabhi kisi ke sath bahut achhi pad jayegi, kabhi koi mujhe apni beti bana lega, behan bana lega, har din ek nayi kahani hai. I knew about Chandgarh, I knew the potential that this place had, but us time pe road wagera ka bahut issue tha, तो शानगढ़ में कुछ भी करने का प्लान ना मैं थोड़ा रिजेक्ट करती थी, क्योंकि बहुत रिमोट था उस टाइम पर, और उस टाइम पर कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और तो मैं सच में, व्हेन समबडी आस्क्ड मी कि हाउ डिड यू चूज शानगढ़, आई जेन्युइनली फील एंड आई जेन्युइनली टेल पीपल दैट आई डिड नॉट चूज शानगढ़, शानगढ़ चूज मी। सच में मुझे ये लगता था शानगढ़ चूज मी, आई डिड नॉट चूज इट। दिस प्लेस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। मतलब मैं बड़ी सारी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे तो नहीं, बट जितनी भी जगहों पे मैं गई हूँ, मेरा मन हमेशा पहाड़ों में ही लगा है। दिस व्यू इज़, इट्स जस्ट अमेजिंग, इट मेक्स एवरीथिंग वर्थ इट। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत जो करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए ना। हॉस्टल लाइफ का एक इंट्रिंसिक एलिमेंट होता है नए नए लोगों से मिलना,
And in the current times, it's amazing to see people working remotely from literally some of the remotest regions of the country. So basically, I'm working in a French MNC and I'm basically in the recruitment team. So my profile is basically I'm a talent intelligence analyst there. So yeah, it's been a week I'm here in Himachal, basically exploring different places. And when I come here, I feel like more energized and like we know that like we made out of like five elements, and when we come to the mountain and see the peaks and all these things now, so I feel like more connected to the nature. So that's why I'm here. One of my hobbies is photography, so one is that, and other I like traveling. So it's a match of both. So with traveling, I can do photography also, and with the current structure of my company, I can do both of these things simultaneously. So that brought me to mountains with my laptop. I know कि अगर बारिशों में पहाड़ों पे जाएं तो शायद उतना टाइम आउटडोर्स में स्पेंड नहीं कर पाएंगे, बट द थिएटर ऑफ क्लाउड्स, मिस्ट एंड माउंटेन्स मेक्स अप फॉर एवरीथिंग बिकॉज दिस इज द मैजिक ऑफ नेचर. तो कल का पूरा दिन कंबल में बिताने के बाद आज प्लान बना बाहर निकलने का. आजकल वर्क फ्रॉम होम के चलते ज्यादातर लोग तो वर्केशन पे थे, बट देर आर अ फ्यू जो वेकेशन पे भी आए थे. तो कुछ नए दोस्तों के साथ वी स्टार्टेड आवर डे विद अ विजिट टू शांगड़ मेडोज. शांगड़ मेडोज इज अ वास्ट ग्रासलैंड्स विद अ बैकड्रॉप ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स. ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने वनवास में कुछ समय यहां रहे थे और उन्होंने इस जगह से एक एक पत्थर हटा के यहां की मिट्टी को उपजाऊ बनाया. Another striking feature of this place is the wooden structure on one end of the meadow called the Shangchul Mahadev Temple. Built in the traditional Katkuni architecture, this wooden temple is truly a work of art. हम बोलते हैं इसको जी दल्यारा कोठी, अपनी भाषा में दल्यारा कोठी.
और ये ऐसे बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग बोलते थे पता नहीं ठाकुर के बारे में आए, ठाकुर ने बनाया ये, तो ये ऐसा बोल रहे थे, बोला इसके ऊपर 7 मंजिल और थे, इसके ऊपर टॉप इसका, तो बोला वो जल जल से टूट गया वो ऊपर से, तो फिर रिपेयरिंग करके वो इतना ही कर दिया। ये पूजा होती है मतलब हमारे होती है, मतलब महीने की होती हमारी 3 बार पूजा है, एक महीने की, तो वैसे यहाँ पर ऊपर जाने का कोई इतिहास नहीं है, एक ही पुजारी जाता ऊपर। हम छोटे से थे जैसे घर वालों के साथ आते तो थे घूमने फिरने, यहाँ हो गया मतलब यहाँ पर तो पहली बार आई, बट जैसे मनाली हो गया और कुल्लू में दशहरा के टाइम पे हम ज़्यादा आते थे, क्योंकि वहाँ पर एक मेला होता है, सारे देवी देवता आते हैं, लाइक बहुत फन होता है। और मनाली भी मतलब बहुत फ्रीक्वेंट आते रहते थे, क्योंकि 4 आवर्स का ड्राइव होता था, मतलब 3.5-4 आवर्स मैक्स, तो बढ़िया वहाँ पे घूमते थे, ना ज़्यादा इतनी भीड़ भड़ाका होता था, फुल ऑन फन मस्ती ये वो। बट अब मतलब धीरे धीरे अब काफ़ी कम हो गया उधर जाना भी, और यहीं से मतलब यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई, बट यहाँ से एक डाइवर्जन होता है तीर्थन वैली को, तो वहाँ पर हम आते रहते थे डे ट्रिप के लिए, आए सुबह सुबह आ गए, फिर दिन में बढ़िया खाया पिया, शाम तक काटी नदी के पास बैठे रहे, एंड फिर शाम में आ गए घर वापस, फिर वही मंडे से रूटीन स्टार्ट, स्कूल ये वो। बट ये मतलब अच्छा होता था ऐसे वीकेंड के लिए आराम से अपना रिलैक्स, मतलब मैं आप लोगों का सोच रही हूँ ना दिल्ली का लाइफस्टाइल, तो मतलब संडेज़ को भी क्या ही करना है ज़्यादा से ज़्यादा, चलो मॉल चले जाते हैं, मूवी देख लेते हैं ये वो, बट हमारा सॉर्टेड होता है। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि यार हाँ थोड़ी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, बट सिंपल सॉर्टेड लाइफ, ना ज़्यादा स्यापा ना ऐसे कुछ वो, तो सही है हमारा भी। You've never been to this side? No, never. ये भी मेरी फ्रेंड मेरे को लेके आई मैं तो बहुत रेजिस्टेंट थी कि नहीं नहीं यार रहने देते हैं ये वो, और मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी मतलब बारिश बहुत हो रही थी, पूरा रास्ता इतनी बारिश हो रही थी, लैंडस्लाइड्स हो रहे थे, बस रोक दी, तो 5 घंटे एक बस में रुकना है आपने, क्या करोगे आप, इधर उधर दोस्ती कर रहे हैं लोगों से, भीग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट मतलब मेरे घर से शायद 4 घंटे लगने चाहिए मैक्सिमम यहाँ को, पूरा ट्रैवल मिला के 4 घंटे मैक्स, हम 12 घंटे में पहुँचे यहाँ पर, बट आई विल से कि वर्थ इट, मतलब ये तो मौज आ गई लाइफ की लिजिट। सम थिंग्स इन लाइफ आर जस्ट मेंट टू बी, अगर प्लान के हिसाब से देखा जाए तो आज शायद मैं सेंज में नहीं होता और शायद ये लोग भी सेंज नहीं पहुंच पाते, बट येट हियर वी आर अपनी जिंदगी की किताब में एक नया पन्ना लिखते हुए। Probably it's quite apt that we met at the House of Stories. After Raila, I decided to go to Vrinda's another venture called Cafe Stories and More. ऐसा सुना है कि यहाँ की कॉफी और कहानियाँ काफी अच्छी हैं, so no better place to end the day. This is where it all started. Yes, this is where it all started. Hanji, I still remember this as a piece of land जहाँ पे कुछ भी नहीं था। एक साल में पूरे शानघर का नक्शा बदल चुका है। जब कैफे ओपन किया था, तब हॉस्टल नहीं था, हॉस्टलर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। 2-4 लोकल होमस्टेज थे सिर्फ। There was nothing else. उसी मंथ से फिर धीरे धीरे, मतलब ऐसा होता है ना कि जब तक सिर्फ लोकल होमस्टेज होते हैं तब तक ऐसा होता है कि हाँ गाँव है, बहुत ऑफ बीट सी जगह है, पर जब कैफ़े वर्ड जुड़ जाता है किसी भी जगह के साथ तब ऐसा लगता है अच्छा कैफ़े भी है वहाँ पे, तो मतलब कमर्शियल होगी जगह। मतलब यहाँ पे जितनी माइक्रो मैनेजमेंट की ज़रूरत है और जितना आपको पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ता है, उतना इनफैक्ट हॉस्टल में कई बार ही नहीं होना पड़ता, क्योंकि सुबह सुबह आपने ब्रेकफास्ट निपटाया, उसके बाद आप निकल जाओ अपना कुछ भी करने के लिए, आप चिल कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, गेस्ट आर ऑन देयर ओन उसके बाद, ऑन देयर ओन। हाँ हाँ, बट यहाँ पे तो कैफ़े में तो कभी भी कोई भी आएगा, आपको उनको अटेंड करना है ना, तो ये तो
ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा आपकी एनर्जी यहाँ पर लगती है. तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे पास काम वाम कम था, बट वो था कि उस टाइम पे भी देयर वर पीपल हु वुड कम टू अस, बहुत अच्छे लोग मिलते थे कैफे में. तो वो लोग सब लोग बोलते थे कि यार आपका स्टे क्यों नहीं है, मतलब दे पीपल वुड लुक फॉर प्रॉपर्टीज नियर बाय जस्ट टू यू नो कम टू द कैफे. और तो वही था कि, और इनिशियल प्लान एक्चुअली वही था, हॉस्टल ही खोलने का था. वो तो कैफ़े की अपॉर्चुनिटी समझ में आई थी तो वो पहले कर लिया था, बट हॉस्टल में कुछ चाहिए था. आई वॉन्टेड टू होस्ट पीपल, आई वॉन्टेड टू लाइक स्पेंड मोर टाइम विद देम. तो वो चीज़ थी, वो चाहिए था. आई रियली लव माई जॉब, आई रियली रियली जेन्युइनली आई लव वॉट आई डू. और बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट मैं यहाँ पर नहीं भी थी तो भी मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ भी एक्सपीरियंस आप क्रिएट कर दो लोगों के लिए ना, तो वो अच्छा लगता है. तो मेरे को जब मैंने कैफ़े खोला भी था तब भी थोड़े टाइम के बाद ही मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि यार आई जस्ट वॉन्ट कि जो भी कैफ़े में घुस रहा है वो खुश होकर वापस जाए, चाहे एक चीज़ वो कम खाए, जो मर्ज़ी करे, चाहे उससे बातचीत हम ऐसी कर लें या जो मर्ज़ी हो, वो बस खुश होकर जाए. तो आई नो दैट दिस इज़ व्हाट आई वॉन्ट टू डू. इन दो दिनों में थिंग्स हैव जस्ट टेकन देयर ओन कोर्स. अनइंटेंशनली अननोइंगली बस नए दोस्तों से मिलते रहे और कहानियां बनती रही. आई गेस दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द हाउस ऑफ स्टोरीज. Life isn't just about big achievements or failures. Sometimes it's the simplest of the moments or chance encounters that become the sweetest memories. In the end, we all are stories. Just try and make it a good one.